हद कर रहे हैं श्री भैया। यू शट अप। सरिता, सरिता, प्लीज, ये भी कोई बात है, करे कोई, भरे कोई? वो कोई और नहीं, तुम्हारे भाई हैं। बड़े, बड़े भाई, बड़े पर गौर किया आपने? अब छोटा भाई करे क्या सकता है? डूब मर सकता है। है कि डूब कर मरना बहुत मुश्किल है। एक तो पानी ठंडा, ऊपर से मुझे तैरना भी आता है। वैसे बात एक ही है, आप स्कूटर खींच लीजिए, आपका काम हो जाएगा। खींचिए, खींचिए ना। अरुण, अरुण, ये क्या पागलपन है? ऐसा करते हैं क्या? मैं तो मजाक समझ रही थी, और तुम, तुम्हें कुछ हो जाता तो? हे भगवान, हम बने, तुम बने, तुझे के लिए। You love me, I know this. उधर मैं पूछती हूं, कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? मैं हूं। मैं यानी कौन? मैं यानी बलवंत भार्गव। अब ये मेरे को नहीं जचता कि एक बीवी अपने पति को ही ना पहचान सके। क्या कही? भले ही वो साला 20 साल के बाद ही क्यों ना मिले। यानी कि तुम सचमुच? मैं तो समझी थी कि साला मर खप गया होगा अब तक। नहीं, क्या कही, अपने खानदान में बच्चों किसी की उम्र 100 वर्ष से कम हुई नहीं। देख ले, 20 वर्ष की जेल काटने के बाद भी संड मुसंडू। अरे वाह, ये बड़ा चोखा किया तूने। बखत पे चाय मिल गई, बड़ी तलब लग रही। जा फकत। यहाँ कैसे चले आए तुम? खिड़की खुली थी, चले आए। जे पूछो कि न्या का पता किसने दिया, तो आगरे गए थे जेल से छूट के। उधर पता चला कि तुम न्या हो, तो चले आए।
साला न्या के पता चला कि इधर का तो बच्चा बच्चा मेरी घरवाली को जानता है। जियो छिया क्या ड्रामा रचा है, आखिरी वक्त आराम से कट जाएगा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, समझे? जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। तेरा घर? पाए लागू। हाँ, क्या कही? ये बुढ़ा आचार्या है ना, तबीयत का रंगीन लगता है ठर की। अच्छा उल्लू फांसा है तूने। मेरे नाना थे ना, उन्होंने भी घर में एक औरत बिठाई थी, क्या कही, वो भी तीन बच्चों की अम्मा, मगर थी साली बड़ी नमकीन। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो मुंह में आए पक दिया। वो मेरे पिता जैसे थे। पिता जैसे थे? पिता तो नहीं थे, क्या कही, सच्ची कहूं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई संत पुरुष नहीं देखा कि जवान औरत को घर में रखे और साला हाथ तक न लगाए, साला फिजूल में। ये टीम टाम सारा घरवार और ये बुढ़ा ऐसी दे गया मुफ्त में। बंद करो अपनी बकवास, ये बदबू फैलाना और निकल जाओ मेरे घर से, वरना 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 दरबान को बुलाकर धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी, चले जाओ। अरे साला, जितनी आराम से बात कर रही हूँ उतना ही अकड़ रही है, पारसा बन रही है मेरे आगे, क्या कही, 6 फुट का मर्द सामने खड़ा है और विधवा का भेष धर के साली गीता देवी बनी हुई है, वो कुछ नहीं, क्यों? साली देवी होगी तो दुनिया के सामने मेरे आगे बड़बड़ करेगी तो जबान खींच के हथेली पे रख दूंगा, समझी? साली शादी की है मैंने तेरे साथ, दुनिया के सामने साथ साथ फेरे लिए, जो तेरा घर वो मेरा घर, आई भेजे में। जा खाने का इंतजाम कर, भूख के मारे आते निकली जा रही है, और सुन जरा बाथरूम भी साफ करवा दियो, कितने दिन से नहाया नहीं, खुजली के मारे जान निकली जा रही है। अरे जा, बच्चे आ गए। क्या कही? मुझ पे गया है, बाप का नाम रोशन करेगा। शूट मत करो, उससे मिलूंगा, मेरा बेटा है। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अरुण तुम्हें जान से मारा डालेगा, चले जाओ। साली धमकाती है, ठीक है चले जाओ, ठीक है चले जाओ, मैं कहती हूँ। चिच्चे आए मत बढ़ चो, मैं जा रहा हूँ, मैं देख लूंगा तेरे को, चले जाओ, निपट लूंगा मैं तेरे को। हाँ साला पाँव कहाँ टक गया। माँ तू अभी तक सोई नहीं? मैं कुछ काम कर रही थी, तुम जाके सो जाओ, जा। जल रहा है कुछ? माँ अजीब सी बू आ रही है यहाँ। सिगरेट यहाँ कैसे आई? मुझे पता नहीं, तुम जाके सो जाओ, मुझे काम करना है, जाओ सो जाओ, जाओ। औरत सिर्फ रंभा या मेनका नहीं है, वो शक्ति भी है, दुर्गा भी है, चंडिका भी है। माँ तुम कितना अच्छा लिखती हो, वाह। अब तुम क्यों मेरा दिमाग चाट रही हो, कहाँ ले जाके सो जाओ। माँ सो जाओ। माँ किनौरत अपने आप को सिर्फ रंभा या मेनका ही क्यों समझती है? वो शक्ति भी है, दुर्गा भी है, चंडिका भी है, मर्द से किसी तरह किसी माने में कम नहीं है औरत, और अगर वो चाहे तो मर्द की जातियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? मत करो, मेरा धंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर दिया तुमने? कौन था वो?
यही पता करने के लिए तो मैं फोटो खींच रहा था, मगर सब सत्यानाश कर दिया। ट्राई अगेन। मैं तो कोई 15 साल से देख रहा हूँ कि जब भी गीता देवी कहीं भाषण देती हैं, तो मजाल है कि कोई एक सुई भी फर्श पर गिरा दे। ये पहली बार किसी ने ऐसी बेहूदगी की है। लेकिन सवाल ये है कि गीता देवी चुपचाप क्यों चली गई? दरअसल बात कुछ और है भाई। मैंने सुना है कि डॉक्टर श्रीकांत ने हीराबाई की लड़की को सबके सामने चांटा मारा था। ओह, यानी कि सारा चक्कर हीराबाई का चलाया हुआ है। बड़ी कुत्ती चीज है हीराबाई। ऐसे ऐसे उसने 50 गुंडे पाल रखे। हाँ ओ हो ललन बाबू, आपके लिए किसी का पता लगा लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लगाऊंगा, पता लगाऊंगा कौन है गीता देवी का भाषण खराब करने वाला साला। नहीं गाली नहीं क्या पता हो? आपका आदमी हो ललन बाबू। मेरा आदमी होता तो उसका पता लगाने के लिए मैं आपको क्यों तकलीफ देती है? ठीक है, ये भी ठीक है। लगाऊंगा, पता लगाऊंगा। अच्छा चलता हूं। ललन बाबू, यूं मैं भला आपको जाने दूंगी? चाय नाश्ता करके जाइए, आइए बैठिए। नहीं बैठिए। नहीं बैठिए। अबे कंटो पे तुझे चाहिए क्या? ये ले। पी। तेरी तो क्या कही कंटो पा। कभी कभी सोचता हूँ क्या कही साला मुझको इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? वहां तेरी मीटिंग खराब कराया, बाद में बड़ा पछतावा हुआ कसम से। बंद करो ये नाटक, अब किस लिए आए हो यहाँ? आखिर चाहते क्या हो तुम? कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हारी खातिर चला आया, तुम्हारे प्यार की खातिर। सच्ची प्यार? प्यार का लफ्ज मत निकालो अपनी गंदी जबान से। तुमने मुझे प्यार दिया ही कब, सिर्फ दुख दिए हैं, जिल्लत दी, चोटें दी, अपमान दिया, और उसके बाद भी यहां तक आने की हिम्मत हो गई तुम्हारी? अरे सुबह का भूला शाम को लौट कर अपने ही घर आता है, क्या कही? नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है। तेरे बच्चों का घर? ठीक कहती है तू, मुझे क्या मालूम कि उनमें से कितने बच्चे मेरे और कितने नहीं। क्या कही? बलवंत! चिल्लाओ मत, मुझे सब पता चल गया। वो लड़की उषा नहीं है, कीर्ति है। हाँ वो कीर्ति है, कीर्ति। उषा भी इस दुनिया में नहीं रही। अरे क्या हुआ, किसी बीमारी मारी में फंस गई थी क्या? हाँ, बड़ी भयानक बीमारी हो गई थी उसे, गरीबी और भूख। तुम तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुरा कर भाग गए थे, ये बिना सोचे कि मैं अकेले इन बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी, कैसे पालूंगी इन्हें। तब मैंने लाचार होकर अपने माथे का सिंदूर पोंछ डाला ताकि उषा की तरह ये भी भूख से बिलबिलाकर मर न जाए। खैर तुझे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, उषा की जगह तुझे तो कीर्ति मिल गई, कीर्ति आचार्य। क्या कही और मुझे समझाती है कि बुड्ढा तो बाप जैसा है? चुप करो, तुम गंदे आदमी थे, गंदे हो और गंदे रहोगे। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अच्छी बात है, मगर बाद में मुझ पे इल्जाम मत लगाइयो अगर जो लोग तुझसे कुछ बातें कहें तो। साली कहती है पति लड़ाई में शहीद हो गया। ठीक है, मैं जाके सबको बोले देता हूँ कि वो महान सेनानी मैं हूँ, गीता देवी का पति देव। क्या कही? नमस्ते। ठहरो, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? तुम
क्यों मुझे बर्बाद करना चाहते हो? क्योंकि हर किसी को खुद अपनी जिंदगी जीने का हक है, मेरे को नहीं। इज्जत के साथ दो बखत की रोटी के लिए आदमी को रुपया पैसा चाहिए कि नहीं? क्या कही, कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 25-30 हजार रुपया काफी होगा, मुझे ज्यादा का लोभ नहीं है। ठीक है, मगर फिर कभी मत आना, और इस घर से जितने दूर जा सकते हो चले जाना। चेक दे रही है ताकि बैंक बनाने जाऊं और पकड़ा जाऊं? लल्लू समझा है क्या मुझे? हा? इतना नकद रुपया नहीं है घर में। अरे तो कोई बात नहीं, बाद में ले लूंगा, घर की तो बात है। क्या है कि कुछ खाने पीने को मिल जाता ना तो 2-4 रोज का आसरा हो जाता। ये कप असली सोने का है। से छीके से कोई चीज उतरवाई है, काम का काम और अंगड़ाई। क्या कही कसम से, इस उम्र में भी बात तो है तुझे। उनके क्यों हाथ हटा लो? अरे तू तो ऐसे भड़क रही है जैसे मैंने तुझे कभी छुआ ही ना हो। ना ना ना, दम मत लगा ना, हटा लिया। मेरे को क्या, मैं तो तेरा ही खर्चा बचा रहा था। मैं तो सोच रहा था कि क्या है कि अगर कुछ चलता। चलती जाऊं। क्या बात है माँ, परेशान क्यों? कुछ नहीं बेटे, क्या काम है? माँ सगाई के सारे कार्ड बांट दिए। अच्छा। सिर्फ कर्नल साहब का रह गया, उनका तो ट्रांसफर हो गया। उफ, एमपी सिंह साहब को तो भूल ही गया।